वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट स्टेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रेवेन्यू से। आपने पिछली प्रेजेंटेशन में देखा रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में। तो आप देखिए, जो रेवेन्यू रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट के साथ हमने पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू सच पूछे तो एक ही बात है। चलिए एक बार रिकैपिटलाइज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट समझने के लिए, इनकम ऑफ अ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। हमारे बिजनेस में रेगुलर सोर्स से, रेगुलर मतलब जो रूटीन बार बार हो रही है, रेगुलर सोर्स से अगर कोई भी मनी आ रही है, कोई भी हमें इनकम रिसीव हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब हमारे बिजनेस में कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं बच्चों, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस की देखो मेन इनकम तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, नॉन ऑपरेटिंग से तो थोड़ी सी इनकम होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं, कारपेट का बिजनेस है कारपेट सेल कर रहे हैं, शर्ट का बिजनेस है शर्ट सेल कर रहे हैं, मोबाइल का बिजनेस है मोबाइल सेल कर रहे हैं, इससे जो हमारे को पैसा आ रहा है बिजनेस में, सेल हो रहा है पैसा आ रहा है, सेल हो रहा है पैसा आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली इनकम। लेकिन कभी कभी हमारी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं बिजनेस की। जैसे अब आप ये देखिए, हमने यहाँ पे बोला कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में टॉपिक कवर किया था इन्वेस्टमेंट्स। मान लीजिए हमने रिलायंस के डिवेंचर्स खरीद लिए, तो रिलायंस कंपनी हमको रेगुलर 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद हमको इंटरेस्ट पे करती है, तो वो हमारी इनकम है। लेकिन वो हमारे मेन बिजनेस से नहीं आ रही, वो तो हमने कुछ पैसा सरप्लस पड़ा था रिलायंस के डिवेंचर्स में लगा दिया, आईशर कंपनी के हमने शेयर्स में पैसा लगाया था, तो वहां से हमें जो पैसा आ रहा है वो क्या है, डिविडेंड। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से हमें जो रेगुलर इनकम आती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। अगर हम डिवेंचर्स में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो जो डिविडेंड इनकम है या हमारी इंटरेस्ट इनकम है, वो हमारी मेन बिजनेस से, हमारा शर्ट्स का बिजनेस है शर्ट्स के बिजनेस से नहीं आ रही, वो हमारी अदर इनकम्स है, यानी उसको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब आप देखिए रेंट रिसीव्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी जो फैक्ट्री है उसके साइड पे हमने 4 शॉप्स निकाल रखी है, बना रखी है, और वो शॉप्स हमने यूज कर रहे हैं, वो हमने रेंट पे दी हुई है, वहां से जो हमें रेंटल इनकम आ रही है वो हमारी कौन सी हुई, वो हमारे मेन बिजनेस शर्ट से थोड़ी आ रही है, वो तो हमें रेंट रिसीव हो रहा है, लेकिन है वो हमारे बिजनेस की, क्योंकि हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग के साथ अटैच है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेंट रिसीव्ड हमारी कौन सी होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो शर्ट सेल करके पैसा आ रहा है वो कौन सी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू कहता है कि पैसा आ रहा है और रेगुलर नेचर का आ रहा है, आ रहा है रेगुलर नेचर पे, मंथली बेसिस पे, 6 मंथ्स पे, 3 मंथ्स पे, 1 ईयर के अंदर अंदर आ रहा है, बार बार आ रहा है पैसा, तो ये हमारा वो चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है और चाहे वो आ रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसको आप क्या कहेंगे, रेवेन्यू। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर बताऊंगी रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमने एक रेवेन्यू पढ़ा था, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ा था, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले तो मैंने ये बात पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता रही हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम यूज करते हैं कंपनीज के रेफरेंस में, कंपनीज एक्ट 2013 से इसका जिक्र आया, लेकिन रेवेन्यू को हम ये वर्ड यूज होता है सोल प्रोप्राइटर्स के लिए। और इसके साथ एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू तो इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग एज एंड नॉन ऑपरेटिंग बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो आगे बढ़ते हैं,
अगली टर्म आ गई, अब हमने पैसा आ रहा है इसको साइड पे रख दो, अब हम जरा पैसा जा रहा है एक्सपेंस की बात करते हैं, पैसे आने की बात किया, कुछ खर्चों की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर में हमने डिस्कस किया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अब यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार होने वाला खर्चा, यानी कि एक्सपेंस। तो आगे देखते हैं बेसिकली एक्सपेंस होता क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस इज द कॉस्ट, हमारी कॉस्ट आ रही है विच जनरेट्स रेवेन्यू, जो कि हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है। समझ आई बात, जब भी हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू आपको पता चल गया क्या है, पैसा, रेगुलर पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब भी हम कोई कॉस्ट करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब बिजनेस में एक्सपेंस मेनली दो ही तरह के होते हैं बच्चों, मेन अगर हम डिवाइड करें तो प्रोड्यूसिंग गुड्स हो गए और सेलिंग गुड्स हो गए। मेन गुड्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा और गुड्स को बेचने का खर्चा, तो मेन तो हमारी ये दो एक्सपेंस है जो कि हम बार बार करते हैं। चलिए, तो प्रोड्यूसिंग गुड्स के एक्सपेंस आपको पता है कौन से है, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने लेबर पेमेंट की, तो ये हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में मेन खर्चे आ गए। और जब हम सेलिंग गुड्स की बात करते हैं तो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो गुड्स ऐसे तो सेल होंगे नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुड्स को सेल करने के लिए जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया ताकि कस्टमर को पता चले कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है मार्केट में। सिमिलरली गुड्स को पैक वैक करके, अच्छे से हम पैक करके गुड्स को कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सेलिंग एक्सपेंस। हमने गुड डिलीवरी बॉयज रखे हुए हैं, आप डोमिनोज वगैरह को देखते हो तो वो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे कौन से एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एक्सपेंस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस के अंदर, हमारे मेन एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और हमने कोई रेंट पे किया है, कोई सैलरी पे की है, कोई एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, या हमारी एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है, तो ये सारे हमारे बार बार होने वाले एक्सपेंस हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो मेन एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि ये अनइम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है, लेकिन अगर हम उसका प्रपोर्शन देखें तो हमारा जो मेन एक्सपेंस है दैट इज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हमारी अगली टर्मिनोलॉजी आ गई इनकम। तो अभी आपने देखो बच्चों, जो आपने समझा रेवेन्यू और एक्सपेंस को, तो आपने देखा रेवेन्यू का मतलब हमारा जो पैसा आ रहा है, और एक्सपेंस का मतलब जो हमारे उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही है, जो हमारा खर्चा आ रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इनकम। तो एक बार हम इनकम को थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन समझेंगे। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू, ठीक है। जो हमने गुड्स सेल किए उससे जो हमारा पैसा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और हमारे जो एक्सपेंस है वो हमने डिस्कस किए, मेन एक्सपेंस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, या जो भी हमारा उसके ऊपर ट्रांजेक्शन, जो भी गुड डील करने में जो भी हमारा एक्सपेंस आया उसको हम जो भी हमारा पैसा गया उसके ऊपर, जो पैसा हमारा लग गया, खर्चा आ गया, उसको एक्सपेंस कहते हैं। और नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो और हमारा एक्सपेंस कम हो, ठीक है। तो इधर देखिए, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, सरप्लस, हमेशा हम क्या चाहते हैं कि सरप्लस ऑफ रेवेन्यू या एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, जितना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस से एक्सेस है, सरप्लस है, फालतू है, वो हमारी इनकम है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख आर सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख। हमने एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर आया, चलिए उस ऑर्डर को हमने भेज दिया और वो ऑर्डर हमारा फाइनल हुआ, उसमें पार्टी हमको 5 लाख रुपीज दे रही है, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपीज हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ये हमारा 5 लाख क्या हो गया, रेवेन्यू। लेकिन इस इन गुड्स के ऊपर हमारी एक कॉस्ट आई हुई है 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। तो बताओ इनकम इस ट्रांजेक्शन में कितनी हुई, 1 लाख रुपीज। तो इनकम वर्ड हम ज्यादातर यूज करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, ओके। तो यहाँ पे 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख हमारी क्या हो गई, इनकम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं,
अभी जब मैंने ये बात बोला एक्स सरप्लस ऑफ, सरप्लस कितना इसमें 1 लाख, कितना सरप्लस है रेवेन्यू, कितना सरप्लस है 1 लाख सरप्लस है, क्योंकि रेवेन्यू कितना था 5 लाख और एक्सपेंस कितना था 4 लाख, कितना सरप्लस है 1 लाख, तो ये 1 लाख हमारी क्या हो गई इनकम। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट्स। आप कहेंगे मैम इनकम प्रॉफिट एक ही बात है, तो थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली डीपली जाए तो हम पूरा ईयर जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हम इनको साइमल्टेनियसली साइनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बिल्कुल डेप्थ में जाएं तो प्रॉफिट्स वर्ड का हम यूसेज तब ज्यादा करते हैं जब हम पूरे ईयर के रेवेन्यू और पूरे ईयर के एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, एंड इफ आर रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन आर एक्सपेंसेस ऑफ द एंटायर ईयर, जितना ज्यादा जितना एक्स्ट्रा होता है, जितना एक्सेस होता है, जितना सरप्लस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो पूरे ईयर के रेवेन्यूज और पूरे ईयर के एक्सपेंसेस को जब हम कंपेयर करते हैं टोटल रेवेन्यूज को और टोटल एक्सपेंसेस को, तो जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, और डिफरेंस आता है प्रॉफिट, बिल्कुल डिफरेंस प्रॉफिट तब आएगा अगर हमारे रेवेन्यूज ज्यादा हैं, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो वो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉस होगा, उसको आगे पढ़ते हैं। चलिए पहले अब हम एक बात करें गेन की। तो प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम इवेंट्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। आज हमने बच्चों एक जिक्र किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इफ यू रिमेम्बर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें हम गेन बताते हैं, जैसे हमने मान लीजिए सपोज हमारे पास एक बिजनेस के लिए हमने कोई ऐसे ही लैंड खरीद ली थी सपोज, ठीक है 5 years पहले, और वो हमने 3 crores की खरीदी थी सपोज, हमें लगा कि मे बी हमें आगे जरूरत पड़ जाए, लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़नी है, और आज हम सोच रहे हैं जरूरत तो है नहीं, चलो ऐसे ही फालतू पड़ी है इसको बेच देते हैं, और वो हमारी मान लीजिए 4 crore की सेल हो गई, ठीक है हमने 5 साल पहले 3 crore की खरीदी थी, आज 4 crore की सेल होगी, तो हमें 1 crore का क्या हुआ आपको के प्रॉफिट, लेकिन हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे गेन, क्योंकि गेन वर्ड हम तब यूज करते हैं उन प्रॉफिट वर्ड को बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए रहने दो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जैसे हमने कोई एसेट सेल करना हमारा मेन बिजनेस नहीं, हम तो शर्ट सेल करते हैं, हम तो गारमेंट सेल करते हैं, हम तो फर्नीचर सेल करते हैं, ठीक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमने अपने बिजनेस की कोई बिल्डिंग सेल कर दी या कोई लैंड सेल कर दी या कोई भी एसेट सेल कर दी और उससे हमें कोई प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं गेन। विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन बिजनेस, जैसे विनिंग अ कोर्ट केस, हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा था बच्चों, ओके कोई कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट ने फॉर्चुनेटली हमारे फेवर में वो केस दे दिया, तो उससे हमारे को बेनिफिट हुआ हमें, तो वो जो बेनिफिट हुआ है उसको हम प्रॉफिट ना बोलकर क्या कहेंगे गेन। आगे बढ़ते हैं लॉस। एक चीज अभी आप बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द स्लाइड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू लॉस। बच्चों ने हमने 2 बातें डिस्कस की गेन की, तो गेन का अगर ऑपोजिट होगा तो वो लॉस कहलाएगा। जैसे जरूरी है कि हमारी हमने मान लो 3 crore की लैंड खरीदी थी और वो लैंड अब हमें पैसे की जरूरत है और वहां पे प्रॉपर्टी के रेट गिर गए हैं, वो लैंड अब 2.5 crore की बिकती है, तो 50 lakh का हमें लॉस हो गया, तो उसके लिए गेन का ऑपोजिट हो गया, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे लॉस, ठीक है। और अभी इसी तरह से हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में का ऑपोजिट भी क्या होता है लॉस होता है, अगर मान लीजिए, या इनकम का ऑपोजिट भी लॉस होता है, मान लीजिए हमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हमारा रेवेन्यू कम है और हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू हमारा हुआ 2 lakh, एक्सपेंस हो गया एक डील है, हम आप कहेंगे आप मैम ऐसी डील कर क्यों रहे, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास स्टॉक बहुत इकट्ठा होता जा रहा है, हमें पैसे की जरूरत है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली गुड्स को लॉस पे भी बेचना पड़ गया, ऑर्डर मार्केट में कॉम्पिटिशन, मार्केट में ऑर्डर्स नहीं है, मतलब हमारे इस तरह की सिचुएशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे को लगता है कि सामान खराब हो जाएगा या कुछ भी है, हमें गुड्स बेचने पड़े, उसके ऊपर हमारी एक्सपेंस तो आया हुआ 2,40,000 लेकिन हमारे पास कस्टमर 2 lakh से ऊपर का है ही नहीं, तो हमने सेल कर दिया, ठीक है पैसा तो आए, तो 40,000 का हमारे को उसमें क्या हो गया लॉस हो गया। लॉस वर्ड मतलब हमने अभी तक आपने देखा कि हमने गेन का इनकम का रेवेन्यू सबके लिए हम साइनोनिमसली अगर हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो हमारे लिए कॉमन वर्ड यूज हो जाता है लॉस। एक चीज और,
लॉस भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से और एक होता है बिजनेस एक्टिविटीज से। हमारा हमने बिजनेस में एक्टिविटी की और हमको लॉस हो गया, जो हमने अभी एग्जांपल लिया। और कुछ एक्टिविटीज होती है अगेंस्ट विच फर्म्स रिसीव नो बेनिफिट, हमने कोई एक्टिविटी ही नहीं की बस हमें लॉस हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया और हमको लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो इस तरह के जो हमारे लॉसेस होते हैं, इनको भी हम सबके लिए जब भी हमें कोई नुकसान हो रहा है बिजनेस में, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा है, तो उसको हम एक कॉमन वर्ड दिया गया है लॉस। आगे चलते हैं, एक और चलते चलते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। बच्चों, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने जो भी पैसा खर्च किया, जो भी पैसा पे किया, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस। लेकिन लॉसेस हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं करते। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज एन एक्सपेंस, वेयर एज थेफ्ट ऑफ एसेट इज अ लॉस। हमने एसेट्स यूज की, हम क्यों एसेट यूज कर रहे हैं, ताकि हम उस एसेट को यूज करके प्रोडक्शन तैयार करें, प्रोडक्ट तैयार होगा, वो मार्केट में बिकेगा, हमारे को रेवेन्यू आएगा, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा एक्सपेंस है, हमारा कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर हमारी कोई एसेट चोरी हो गई, कोई छोटी सी हमारी पानी की मोटर थी फैक्ट्री के अंदर, वो चोरी हो गई, तो हमारी एसेट थी, तो वो हमारा लॉस है। तो आइए बच्चों, ये कॉस्ट को हम अपनी अलग प्रेजेंटेशन में स्टडी करेंगे। और अब इसके बाद हमारा चैप्टर में अब एक वाउचर और कॉस्ट, दो ही टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं, तो इसके अलावा हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो चलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।